स्पाइडर तेजस। आकाश भेदी गर्जना, शेर सी दहाड़, स्वदेशी शाहकार, एक घातक फाइटर जेट, वायुसेना का सबसे बड़ा रक्षक तेजस। ये भारतीय सेना की वो शक्ति है जिसने दुश्मन के हौसलों को पस्त कर रखा है। ये भारतीय वायुसेना की वो वॉर मशीन है जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम का वो नायाब किरदार है जो भारत की आन बान शान का सबसे बड़ा रक्षक बन चुका है। तेजस की उड़ान और इसकी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया मानने लगी है, और इसका साक्षात उदाहरण दिखाने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु के सुलूर, जहां 51 देशों के बीच तेजस अपनी शक्ति अपने जौहर का प्रदर्शन करने वाला है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर न्यूज 18 इंडिया पहुंचा है भारत के स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट के घर यानी कि सुलूर। जी हाँ, ये है तेजस का होम बेस। 2 स्क्वाड्रन तेजस के भारतीय वायुसेना में शामिल हुए हैं और सुलूर वह जगह है जहाँ तेजस तैनात है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बना ये लड़ाकू विमान दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन ये एक अभूतपूर्व लड़ाकू विमान है। खास तौर पर कि भारतीयों ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि उनका अपना एक फाइटर जेट होगा, लेकिन ये सपना पूरा हुआ। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम जिस रफ्तार से चल रही है, उससे तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जो कि हम दूसरे देशों से लेते थे, आश्रित थे, वो खत्म हो जाएगा। और इस आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत अगर सबसे बड़ा उदाहरण है तो वो है ये तेजस। जी हाँ, ये है तेजस, भारत का अपना फाइटर। तरंग शक्ति 2024 के पहले चरण में दुनिया के 51 देशों को न्योता दिया गया, जिनमें दुनिया भर से एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया। उन्हीं में से एक तेजस भी है, यानी वो लड़ाकू विमान जो भारतीय वायुसेना का गौरव बन चुका है। भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार है जब भारतीय वायुसेना ने इतना बड़ा मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज का आयोजन किया। ये पहली बार है जब 51 के करीब देशों को भारतीय वायुसेना ने न्योता दिया, जिनमें से अधिकतर यहाँ आए। तकरीबन 10 देश ऐसे हैं जो कि अपने साथ अपने फाइटर भी लेके आए हैं। 2 चरण में ये पूरा अभ्यास होना है। पहला चरण सुलूर में खत्म हो चुका है, दूसरा चरण जोधपुर में शुरू होगा। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके जैसे देशों से आई ये लड़ाकू विमानों की ऐसी फौज है जो अपने मिशन को पूरा करके ही लौटती है। लेकिन इस वॉर मशीनरी के बीच तेजस ने अपनी अलग पहचान बनाई है, और अब दुनिया के कई देश तेजस को लेने की इच्छा भी जता चुके हैं। सबसे पहले जो कॉर्नर में जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं आप, ये है रफाल, फ्रांस का रफाल है, जो कि भारत में भी 2 स्क्वाड्रन है फ्रांस से लिए गए 2 रफाल के। उसके बगल में यूरोफाइटर टाइफून, जो कि यूरोप की 4 देश एक साथ मिलकर तैयार करते हैं यूरोफाइटर टाइफून। उसके बगल में आप देख रहे हैं वो स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस है। तेजस के बगल में सुखोई 30, भारतीय वायुसेना में सबसे ज़्यादा स्क्वाड्रन अगर किसी के हैं तो सुखोई 30 के हैं। तकरीबन 11 से ज़्यादा स्क्वाड्रन इसके भारतीय वायुसेना में शामिल है। उसके बगल में भी तेजस आपको दिख जाएगा, उसके साथ में 2 यूरो फाइटर टाइफून। भारतीय सेना का अहम हिस्सा बन चुके तेजस की क्षमताएं ऐसी हैं जो इसे दुनिया के दूसरे लड़ाकू विमानों से
अलग बनाती है। यही वजह है कि चीन और भारत के बीच तनाव की खबर आई थी, तब तेजस को ही लद्दाख में डिप्लॉय किया गया था। यह एक बेहद हल्का लड़ाकू विमान है जिसे 70% स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है, और अब यह लड़ाकू विमान किसी भी मोर्चे पर दुश्मन को चुनौती दे सकता है। अपना फाइटर तेजस जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त धूम मचा रहा है। इस सेगमेंट में 4.5 जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट जो कि भारत ने तैयार किया है, जिसकी मारक क्षमता इतनी ज़बरदस्त है कि जिस वक्त भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ था लद्दाख में, तो इनको वहां पे डिप्लॉय किया गया था। ये लगातार कॉम्बैट पेट्रोल कर रहे थे। खासियत ये थी कि इसका वेट इतना हल्का है जिसकी वजह से ये बहुत बेहतरीन तरीके से उन वैलीज में आसानी से मनूवरिंग कर सकता है। इसकी खासियत ये है कि ये स्वदेशी है, 70% जो है कंटेंट इसमें स्वदेशी है, और लगातार ये अलग अलग लगे पर जो है अपनी ताकत को दिखा रहा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जिस तरह से तेजस ने भारतीय वायुसेना में अपनी जगह बनाई है, वो ये साबित करता है कि नए भारत में तेजस की इस अभूतपूर्व उड़ान का क्या मतलब है। कोई भी जहाज हो जिसका अगला या इम्प्रूव्ड वर्जन आता है वो हमेशा बढ़िया होता है, एंड भारतीय वायुसेना की तरफ से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड पे काम करने वाले लोग से लेके सीनियर डायरेक्शंस, एवरीबडी सपोर्टिंग आत्मनिर्भरता। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी एजेंसीज है आत्मनिर्भरता में इन्वॉल्व हूँ, उनको पूरी सहायता दी जाए। यानी तेजस एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसके तेज और पराक्रम ने दुनिया को मुरीद कर दिया है। अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों तेजस दुनिया के घातक लड़ाकू विमानों से अलग है।